हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में व्हाई टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए। इसको हम लोग एक क्वेश्चन के मैनर में भी ध्यान रख सकते हैं। व्हाई एक क्वेश्चन है, जैसे व्हाई टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करते हैं। रीज़न है इसका, व्हाई टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी का क्या रीज़न है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए। देर आर थ्री रीजन्स, इसके तीन रीजन्स हैं। सबसे पहला है नैरोली यूटिलाइटेरियन आर्गुमेंट, नैरोली यूटिलाइटेरियन आर्गुमेंट। सेकंड है ब्रॉडली यूटिलाइटेरियन व्यू। थर्ड है इथिकल रीजन या व्यू। ये तीन रीज़न हैं। फर्स्ट है नैरोली यूटिलाइटेरियन आर्गुमेंट, नैरो विजन। इफ समथिंग नीड्स टू यूज एज वी शुड कंजर्व इट। एक नैरो विजन है, मतलब हम बता सकते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे लिए यूजेबल है तो उसको हमारे को कंजर्व करना पड़ता है। नैरो विजन, If something needs to us, we should conserve it. जो चीज़ हमारे लिए usable है उसको हमें conserve करना चाहिए। We are not thinking about what is going in 500 years, happen after 500 years. हम लोग इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं कि जिस चीज़ को हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं present time period में, 500 सालों के बाद में उसका क्या होगा, what happen after 500 ईयर्स। तो इसलिए जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं उनको हमारे को कंजर्व करना चाहिए, जैसे वुड टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज। वुड और टिम्बर का यूज़ किस लिए करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए करते हैं। वुड अनदर फॉर्मेशन फॉर पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ लिया जाता है। प्लांट प्रोडक्ट जैसे टेनिन, रेजिन, परफ्यूम्स, फाइबर्स, ये सब क्या है, नैरो यूटिलाइटेरियन आर्गुमेंट है। यानी ये सब चीज़ें ह्यूमन के नीड वाली हैं, यानी हम लोग इनसे डायरेक्ट बेनिफिट लेते हैं और इनको हम लोग कंजर्व करेंगे तो क्या होगा, इट मीन्स फ्यूचर में आने वाली जनरेशन इसको यूज़ कर सकता है। तो ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का फर्स्ट रीज़न था नैरो यूटिलाइटेरियन आर्गुमेंट, डायरेक्ट बेनिफिट फॉर अस। ये सब चीज़ें हमारे लिए डायरेक्ट नीड वाली हैं, डायरेक्ट बेनिफिट हैं। फॉर ऑल दीज प्रोडक्ट वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, इन सभी चीज़ों के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ मेडिसिन आर फ्रॉम प्लांट। मान लिया जाए कि अगर हम लोग प्लांट्स को इसी तरह से इट मीन्स बहुत एक्सेस मात्रा में कंज्यूम करते गए और उनको हम लोग सेव करने के लिए ग्रो नहीं करते हैं साथ साथ में यूज़ करने के, तो उनका परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा और हमारी जो मेडिसिन है वो 25% प्लांट से मिलती है, अप्रोक्सीमेट जितनी भी मेडिसिन है। तो इन लिए इनको कंजर्व करना ज़रूरी है। ये अपना फर्स्ट रीजन है नैरो यूटिलाइटेरियन आर्गुमेंट। सेकेंड है ब्रॉडली यूटिलाइटेरियन, इनडायरेक्ट बेनिफिट फॉर लिविंग वंस, इनडायरेक्ट बेनिफिट फॉर लिविंग वंस। ब्रॉडली यूटिलाइटेरियन से मतलब है कि किसी चीज़ से हम लोग इनडायरेक्ट बेनिफिटेड होते हैं तो वो ब्रॉड यूटिलाइटेरियन में, एक ब्रॉड विजन है, बड़ा विजन है। वी शुड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन, वी शुड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। मान लिया जाए कि इट मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो आज इस प्लानट पर ह्यूमन बींग्स के रह रहे हैं वो किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, बट आगे आने वाले जनरेशन के लिए हम लोग उसको कंजर्व नहीं करते तो क्या होगा, कि इट मीन्स फ्यूचर जनरेशन सेफ नहीं होगी। तो वी शुड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन, हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किस करना चाहिए, हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं जनरेशन उनके लिए कंजर्व करना चाहिए। जैसे अमेजन फॉरेस्ट, इट इज़ कॉल्ड द लंग ऑफ प्लानट या अर्थ। अमेजन फॉरेस्ट क्या है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला फॉरेस्ट है और इसको लंग ऑफ अर्थ भी बोल सकते हैं, प्लानट का लंग भी बोल सकते हैं। वी शुड कंजर्विंग इट सो आवर फ्यूचर जनरेशन गेट फ्रेश एयर। अगर अमेजन फॉरेस्ट का
ह्यूमन बींग्स अपने बेसिक नीड्स जैसे वुड हो गया, प्लांट प्रोडक्ट, फाइबर्स, इन सब चीज़ों का यूज़ करने के लिए बहुत एक्सेस मात्रा में कंज्यूम करता गया। तो धीरे धीरे अमेजॉन फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाएगा, जिससे ये जो फ्रेश एयर है वो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए नहीं रह पाएगी, उनका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो ये अर्थ प्लानेट का लंग है, यानी फ्रेश एयर प्रोवाइड कराता है। अगर ये अमेजॉन फॉरेस्ट की वजह से जो एयर, फ्रेश एयर का इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है, अगर ये अमेजॉन फॉरेस्ट कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाता है, कट आउट कर दिया जाता है, तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए फ्रेश एयर नहीं मिलेगी। तो ये क्या एक ब्रॉड विजन है, यानी हम लोग आज बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं 100, 200, 300 सालों के बाद में जब आने वाली फ्यूचर जनरेशन उसको भी फ्रेश इन्वायरमेंट मिल सके, ये ब्रॉड विजन है, दैट इज़ द ब्रॉड यूटिलिटेरियन फॉर फ्रेश इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। इसका एक बेसिक रीज़न है कि हमारा ब्रॉड विजन होना चाहिए कि हम लोग जैसा आज फ्रेश इन्वायरमेंट यूज़ करें, वैसा ही आगे आने वाली जनरेशन भी फ्रेश इन्वायरमेंट यूज़ करें, दैट इज़ द ब्रॉड विजन। थर्ड है अपना इथिकल रीज़न। Earth belongs to all these organisms, including us. So what rights do we have to kill them or modify them? क्या बात कर रहा है कि ये planet, Earth planet सभी organisms से belong करता है, जिसमें human beings भी हैं, दूसरे animal species भी हैं, सभी का equal right है इस planet के ऊपर। तो हमें उनको मारने की या उनको किल करने की या उनको मॉडिफाई, उनको चेंज करने का कोई भी राइट नहीं है, हमारा कोई ऐसा अधिकार नहीं है। कि इट मीन्स बोल सकते हैं गॉड मीन्स हम लोग बोल सकते हैं हु क्रिएट्स द नेचर, जिसने इस प्लानेट को बनाया है उसके अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग इंडिविजुअल्स इस प्लानेट पे रह रहे हैं उनका सभी का इक्वल राइट्स है। तो ह्यूमन बींग को कोई पर्टिकुलर राइट नहीं है कि उनको किल कर सके, उनको मॉडिफाई कर सके, ये एक एथिकल रीज़न है, ठीक है। सो देयर शुड बी प्रॉपर और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस प्लानेट। बोल सकते हैं इसकी वजह से ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की मीन्स इस प्लानेट पे जितने भी लिविंग इंडिविजुअल हैं उनका सबका इक्वल परसेंटेज है, वो इक्वल परसेंटेज में इस प्लानेट को शेयर कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग का पर्टिकुलरली इस पे कोई राइट नहीं है कि वो उनको मॉडिफाई कर सके, कोई चेंज कर सके। बेसिकली अबाउट द मॉरल वैल्यूज़, बेसिकली मॉरल वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं ये एक मॉरल वैल्यू है कि आप लोग जितने इस प्लानेट पे सर्वाइवल के कंडीशन में हो उतना दूसरे लिविंग इंडिविजुअल को भी होना चाहिए, उतना ही राइट दूसरे इंडिविजुअल को भी। एथिकल या बायोएथिक्स मॉरल दैट अर्थ बिलोंग्स टू ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी ये एक एथिकल किस लिए है, मॉरल या बायोएथिक्स क्यों बोला गया है, कि अर्थ एक ऐसा प्लानेट कोई पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड नहीं है, इसमें रहने वाले सभी लिविंग इंडिविजुअल उसका परसेंटेज है, तो ये सभी इससे बिलोंग करते हैं। पर्टिकुलरली ह्यूमन का कोई राइट नहीं है उन्हें हार्म करने का या डिस्ट्रॉय करने का, इक्वल परसेंटेज है। ये आज का हमारा टॉपिक है व्हाई टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए थ्री बेसिक रीजंस हैं, नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन व्यू और इथिकल व्यू। नैरो से मतलब एक नियर निकट भविष्य की सोच से रिलेटेड, कि आज हम जिन प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं जो इस प्लानेट से मिल रहे हैं ह्यूमन बींग्स को, अगर उनको कंजर्व करते तो हम लोग इनको लंबे टाइम तक यूज़ कर सकेंगे, अगर इनका कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो वो जल्दी से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये एक नैरो विज़न है। ब्रॉड यूटिलिटेरियन व्यू मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि एक बड़ा विज़न है कि जिन प्रोडक्ट्स को या इस प्लानेट पर जो भी चीज़ें हम लोगों के लिए यूजेबल है, जिनका हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उनका आज हम लोग इस प्लानेट पे यूज़ कर रहे हैं, अगर एक्सेस कंजप्शन हो गया तो आगे आने वाली जनरेशन उसको कैसे यूज़ कर सके। जैसे मान ले कि अमेजॉन फॉरेस्ट को लंग ऑफ फॉरेस्ट माना गया, प्लानेट माना गया, अगर ये डिस्ट्रॉय हो गई तो आगे आने वाली जनरेशन को फ्रेश इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा सर्वाइवल के लिए। तीसरा एथिकल व्यू, अकॉर्डिंग टू द बायोएथिक्स वैल्यू या फिर अकॉर्डिंग बायोएथिक वैल्यू के एथिकल रीज़न के अकॉर्डिंग
ये क्रिएचर प्लानेट का गॉड ने किया है, नेचुरल पावर ने किया है, मींस सभी का इक्वल राइट है। हम लोग किसी को किल अप नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, तो ये रीजन्स हैं बाय वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। थैंक यू।